85 मास्टर शेफ चैनल में सबका नमस्ते दोस्तों। आज बनाने वाले मोनोगोलियन चिकन रेसिपी, जैसा नाम है ऐसा टेस्टी है। आप लोग बना के ट्रायल करिए और कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बनाने को स्टार्ट करते हैं। स्टेप मत करिए, बने रहिए वीडियो में। बनाने के लिए मैं बोनलेस चिकन पहले से काट लिए, फिंगर टाइप काटे मतलब स्लाइस चिकन बोनलेस दोनों चेस्ट लेके। इसका बाद स्प्रिंग अनियन और गोड़ा वाला लिया, नीचे वाला इसको ज़रूरी चाहिए, और बीज वाला वो लिया, ठीक है, ज़्यादा चाहिए स्प्रिंग अनियन, और लास्ट वाला वो लिया सर लगभग एक स्प्रिंग अनियन लिया 250 ग्राम। इसका बाद पहले मैरिनेशन कर लेंगे चिकन को, थोड़ा नमक, थोड़ा वाइट पेपर, डार्क सोया सॉस, और इसका बाद में लेंगे थोड़ा एप्पल विनेगर, थोड़ी सी एप्पल विनेगर डालने का बाद थोड़ा डालेंगे अंडा का वाइट वाला, पीले वाला मत लीजिए, एक अंडा का इसको डाल देंगे। इसका बाद में डालेंगे थोड़ा मिक्स कर लेंगे बाद 1 स्पून कॉर्नफ्लोर व एरोरूट दे के मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो गया, इसका बाद में डालेंगे 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। डाल दिया 2 चम्मच डालने के बाद अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच का मदद से। इसके बाद में इसको 10 मिनट तक रख देंगे स्टॉक में, तो मसाला अच्छी तरह पकड़ लेगा। मैरिनेशन हो गया, इसको साइड कर देंगे 10 मिनट के लिए। बना लूँगा एक बॉल लिया, बॉल में ओस्टर सॉस पहले डालूँगा लगभग 50 ग्राम तक। इसका बाद में डालूँगा सोया सॉस 25 ml तक डाल दूँगा, थोड़ी सी डार्क सोया सॉस यूज कर दीजिए। इसका बाद में डालूँगा थोड़ी सी विनेगर, हल्का सा विनेगर। इसका बाद में चाहिए आप लोग मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ शक्करा मतलब गुड़, आप लोग डाल सकते हैं शक्कर जिसको बोलते हैं। और इसका बाद में डालूँगा हनी, थोड़ी सी हनी डालूँगा मतलब मधु। इसका बाद में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, आप लोग चाहिए इसमें थोड़ा मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर सकते हैं। मैं चिल्ली पेस्ट करूँगा इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ, चिकन मैरिनेशन करके रखा था, अभी ऑयल बढ़ गया, इसको स्लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे सारे को डाल के। दोस्तों इस तरफ से एक एक बार करके डाल देंगे। देखिए मैं किस तरफ से चिकन काटा, पूरा स्लाइस का जैसे, ज़्यादा स्लाइस नहीं, मोटा थोड़ा करने को, लंबा तरफ से स्लाइस पीस का जैसे काटने को। मोनोगोलियन चिकन में इस तरफ से जाता है, आप लोग ध्यान से काटिए और चेस्ट पीस लेके वो काटिए बोनलेस वाला। सारे को डाल दिया था, अभी फ्राई हो गया, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, बिल्कुल क्रिस्पी होगा। आप लोग मैरिनेशन जब किया मैदा में दिया नहीं, आप लोग मत दीजिए, और ज़रूरी ट्रायल करिए घर में मैं इस तरफ से बना सकता है आसानी से, आराम से सॉस मिल जाएगा बाजार से। दोस्तों देखिए कितना क्रिस्पी, ओवर कोटिंग नहीं, इस तरह से बनाए, और बनाने के बाद जैसा नाम है ऐसा और टेस्टी होगा। दोस्तों मैं चाइनीज़ कड़ा ले रहा हूँ, इसमें से बनाऊँगा। देखिए कड़ा बढ़ा दिया था, इसका बाद में थोड़ी सी ऑयल डालूँगा हल्का सा लगभग 10 ग्राम तक। इसमें मैंने पहले डालूँगा गार्लिक, इसमें जुलियन कटिंग, जिंजर मतलब अदरक, इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। थोड़ी फ्राई होने के बाद इसका साथ डालूँगा स्प्रिंग अनियन का नीचे वाला जो पार्ट रहता है इसको डाल देंगे। हाँ बड़ा बड़ा देखिए इस तरफ से, उसको ज़रूरी है, आप लोग बाजार से आराम से मिल जाएगा, सीजन है। देखिए दोस्तों अच्छे से फ्राई हो गया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ऑटम ज़्यादा फ्राई हो जाता है, इसी में सॉय डाल देंगे। देखिए दोस्त सॉय डालेंगे, और इसका साथ डालूँगा थोड़ी सी फ्राई होने के बाद चिल्ली पेस्ट, तो हम लोग का चाइनीज में बना कर रहते हैं, आप लोग कश्मीरी चिल्ली पाउडर नहीं तो चिल्ली बॉइल, सूखा चिल्ली को बॉइल करके पेस्ट करके डाल सकता है। इसके बाद में थोड़ी सी डाल दिया, इसका बाद में साथ में डालूँगा थोड़े होने का बाद, चाहिए तो आप लोग थोड़ी सी स्टॉक वाटर डाल सकते हैं, मेरे को नहीं चाहिए।
और चिकन डाल दिया। अच्छी तरह सॉटेस कर रहा हूँ इसका। बाद में फिर आएगा स्प्रिंग अनियन, ठीक है, डायमंड कटिंग बड़ा बड़ा काट के, वो रहेगा था बीज वाला पार्ट। इसका बाद में लास्ट वाला स्प्रिंग आगा वाला जो माथा का, उसको लास्ट में डालेंगे। ज़्यादा ज़्यादा स्प्रिंग अनियन ज़्यादा चाहिए, साथ में से नमक, चाइनीस हल्ट। इसका बाद में डालेंगे पेसिमिसिस ऑयल, मतलब तिल का ऑयल, वो जरूरी है, लास्ट में डालिए बनाने का बाद, जैसे मैं डाला इस तरफ से डालिए, बहुत मस्त रहेगा रेसिपी, खाने को टेस्ट हो। फिर आएगा फिर स्प्रिंग। बस अभी हो गया हमारा मनागोलिन चिकन रेसिपी, बिल्कुल रेडी हो गया, खुशबू ज़बरदस्त है, आप लोग जरूर ट्राई करो। और दो कमेंट करके कमेंट में से जरूर बताइए दोस्तों, और रेसिपी कैसा लगा। आप लोग को कुछ गलती हो तो मेरे को कमेंट में बताइए। और दोस्तों जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और फेसबुक पेज में विजय कुकिंग चैनल बोल के नाम है, इसमें से आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी लेकर।